ओके, तो हम क्या कह रहे थे कि आज लास्ट क्लास तक हमने क्या किया है, हमने बात करी है एक्चुअली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, कैसे जब करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें हमने क्या कहा कि जब करंट फ्लो करेगा तो अपने आसपास एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसमें हमने स्पेसिफिकली एक स्ट्रेट लाइन करंट कैरिंग वायर की बात करी, और हमने कहा कि अगर अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हमारी क्या होती है, टेस्ला। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बाद दो चीजें होती हैं, एक होता है इसका मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। इसका मतलब मोटा मोटा ये है कि ये एक वेक्टर है। ओके, इसके बाद हमने क्या कहा कि मैग्नीट्यूड, हम जब हम स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की बात करते हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि कितनी दूर है वो। इसका मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद कराया था जो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, विच इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसमें बेसिकली करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, आर कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। इसके बाद हमने क्या कहा कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की शेप होती है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, वर्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और उसमें हमने क्या कहा, हमने कहा कि जैसे जैसे हम ये सेंटर्स के सर्कल्स देखते हैं तो ये आर आर रेडियस जो होता है वो चेंज होता चला जाता है, तो उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती जाएगी। अब इसकी डायरेक्शंस की बात आई तो हमने इसके लिए कहा कि इसके डायरेक्शन बताने के लिए सीधा सीधा आप क्या यूज करोगे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर आप अपना राइट हैंड लेके उसका जो थंब है उसको अगर आप क्या करो, उसको डायरेक्शन ऑफ करंट मानो, तो आपकी जो उंगलियां होंगी वो इस तरह से कर्ल करेंगी, और ये जो कर्लिंग है एक तरीके से वो आपको उसकी डायरेक्शन देगी। जैसे अगर इस वाले केस के अंदर आप देखो तो जो डायरेक्शन आएगी वो आपकी कुछ इस तरह से आएगी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही होगी। इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज बताएं, ये क्या है, एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है ऐसा मान सकते हो, या टेढ़ी जा रही है कैसे भी मान लो, जैसा तो मैं समझ नहीं। तो अगर आप राइट हैंड यूज करोगे तो आपकी क्लियर डायरेक्शंस क्लियर होगी। अच्छा हाँ, ऐसे सही मान लो, अंदर मान लो, सही अंदर जा रही है, इसको अंदर मानो, मैंने बताया ना 45 डिग्री पे अंदर लेते हैं, तो सही अंदर ऐसे जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे जा रही है, तो देखिए ये वायर है, मान लो ये ऐसे वायर है तो ये ऐसे जा रही है। क्लियर है भाई, कोई डाउट? अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं, इसके बाद हमने क्या कहा कि एक तरीके से अगर आप सोच, इसको मेरा मेरी वाली वो बंद कर दे, जो वीडियो तो बंद कर दे, फर्स्ट वाले क्लिक कर, बस इसको नीचे ले आ, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, बस बढ़िया। तो क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड की हमारी ये चीजें हमें समझ में आ गई थी। ये कौन सी वायर के लिए जरूरी होता है, ये होता है इनफाइनाइट वायर के लिए, अगर हम बात करते हैं तो ये होती है इनफाइनाइट वायर। इसकी ज्यादा जरूरत तुम्हें, जिसकी ज्यादा जरूरत है वो है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कि ये वेक्टर है, और ये वाला पार्ट, और राइट हैंड थंब रूल, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। जिसमें थंब की डायरेक्शन में हम क्या रखते हैं, करंट को, थंब क्या होता है, इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, प्लेस्ड, इट इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। एनी डाउट टू एनी वन यू कैन आस्क दिस। पक्का? बढ़िया, और देखते हैं। अब हमने क्या कहा, हमारा सेकेंड जो पार्ट आता है मोटा मोटा, वो आता है कि यार अगर सर्कुलर वायर हो तो क्या हो, अगर सर्कुलर वायर हो तो क्या हो। तो हमने कहा कि अगर हमारे पास सर्कुलर वायर है तो पहले उसके एक एक पॉइंट को पकड़ो और फिर बात करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, तो मैंने कहा पहले पॉइंट को पकड़ते हैं, मान लीजिए किसी एक पॉइंट को पकड़े हैं, तो लेट्स से मैंने राइट साइड वाले पॉइंट को पकड़ लिया इसको, ठीक है, इसमें अब करंट कैसे जा रहा है। तो मैंने कहा यार इस पॉइंट पर अगर मैं एक स्ट्रेट वायर ऐसे टेंजेंट की तरह बनाऊं तो वो जो करंट जा रहा है वो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को, इसमें कोई डाउट कि भाई जो मैंने पॉइंट पिक किया वो पॉइंट एक तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, वहां पे करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वापस से राइट हैंड थंब रूल पकड़ो, क्योंकि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तुमने अपना हाथ पकड़ा यूं किया, तो अब क्या हुआ, इससे तुम्हें समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से अगर मैं यहां से देखता हूं तो कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं कुछ ऐसे, क्या ये बात समझ में आती है, नहीं इसमें कोई डाउट?
अच्छा अब क्या हो रहा है भाई, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एक तरीके से, अब इसकी डायरेक्शन क्या, तो तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। हाथ हाथ से देख लो एक बार, देखो सभी हाथ से कि भाई मैग्नेटिक फील्ड हमने जो पकड़ी हुई है उससे, ये देखो एक कर्ल अंदर की तरफ गए, ये वाले कर्ल्स अंदर जा रहे हैं, ये अंदर जा रहे हैं राइट हैंड पकड़ के, ये अंदर जा रहे हैं और यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे बाहर निकल रहे हैं, तो भाई दूसरी तरफ से बाहर निकल रहे हैं, इधर से अंदर जा रहे हैं, कोई डाउट? यही चीज आप हर पॉइंट पे ट्राई कर सकते हो। तो जैसे इस पॉइंट पे ट्राई कर लो, इस पॉइंट पे ट्राई करोगे तो देखो क्या होगा, थंब तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, ऐसे तो तुम देखोगे कि दोबारा यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही होंगे ऐसे, लेकिन अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ से बाहर की तरफ आएगी। सिमिलरली जब तुम यहाँ देखोगे, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक अगेन ऐसे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? नहीं? अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, करंट हमारा कहाँ जा रहा है, नीचे, तो नीचे मतलब ऐसे ऐसे, तो एक तरीके से दोबारा जो कर्ल्स होंगे वो तो उसके पास तो ऐसे ही होंगे, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर, मतलब तुम्हें क्या दिखा, हमेशा ध्यान से देखो, जो अंदर की बात, अंदर की तरफ जो कॉइल है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ निकल रही है, ध्यान से देखो, इसमें भी बाहर निकल रही है, इसमें से भी बाहर निकल रही है, और सिमिलरली अगर तुम यहाँ पॉइंट लोगे तो उसमें से भी बाहर ही निकलेगी। नहीं नहीं बेटा, वो डायग्राम ऐसा दिख रहा है, सॉल्व कर ले थोड़ा क्वेश्चन। नहीं सर्कल बेटा थोड़ा का वो 45 डिग्री अंदर जा रहा है तो 45 डिग्री में दिखाऊंगा ना, नहीं तो डॉट अक्रॉस दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही है ऊपर वाला कह रहा आप एक ऐसे मिनट, आपने नहीं बेटा सही तो बनाया, वहां से नीचे से तो बाहर आ रहे हैं, नीचे वाले नखून देख, नखून को देख, नखून बाहर की तरफ है, नहीं है तो हाँ वो ऐसा बाहर ही तो आ रहा है। ना ना बेटा, वो ये एरो सुन, ये वाला एरो तो करंट दिखा रहा है, जो बड़ा वाला, ये वाला, का ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, बता। जैसे ऊपर देखेगा तो ऊपर क्या है, ये अंदर की तरफ जा रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा तो क्या कर, फिर इसको ऐसे ना लेकर मैं एक बार और बताता हूँ, ध्यान से देख, अलग ही बनाऊंगा क्योंकि इसमें बनाऊंगा तो कॉम्प्लिकेट होगा। तो क्या कर, तो अब यहाँ पे तो समझ में क्या आएगा, अभी ये क्या, मैं 3 डायमेंशन में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर सिर्फ वैसे देखेगा तो क्या बोलना पड़ेगा कि ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर, और यहाँ पे कहाँ आ रही है, बाहर। यहाँ पे भी देखो एक डायरेक्शन ही देखनी है ना, तो यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर, यहाँ पे भी यहाँ बाहर यहाँ अंदर, यहाँ बाहर यहाँ अंदर। अब ये बात समझ में आई या नहीं, ये वाली चीज? अब देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ध्यान सुनना। जैसे मैंने क्या कहा, एक मेरे पास सर्कुलर कॉइल है, तो कड़ा ले लो मान लिया, ये निकालने में दिक्कत आएगी, क्या कह रहा हूँ मैं, इसको लो, ठीक है, ये कॉइल लिया। अब क्या है, इसका एक पॉइंट पकड़ा मैंने और एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक तरीके से अगर जैसे करंट मान लो अभी इसमें ऐसे ऐसे जा रहा है ना, जब करंट ऐसे ऐसे जा रहा है तो मैंने क्या पकड़ा, यहाँ पे ऐसे थंब ले लिया। तो ध्यान से देखो, इस वायर के एग्जैक्टली सामने, ऐसे ऐसे इस वायर, मतलब ऐसे मैंने वायर ली एग्जाम्पल के तौर पे, ये मैंने पेन लिया शायद इस तरह से, एक पॉइंट है किसी सर्कुलर वायर का, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है, मैंने क्या किया, ऐसे काट दिया, हाँ मतलब इस वाले पार्ट को, तो जब काटूंगा तो क्या समझ में आएगा कि इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जा रही है और इस साइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है, तो पूरी कर्ल ना, यही बस हमने। जैसे अगर हम पीछे वाला जो क्लास थी उसमें अगर हम जो लास्ट पार्ट देखें, जिसमें हमने कहा क्लासेस में, क्लास 10th हमारी तत्वों में फिजिक्स का लेक्चर जो था मैग्नेटिक इफेक्ट का, 5 नवंबर का, उसमें ये वाला देखो, इसमें हमने क्या कहा कि जब करंट अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे घूमेगी, हाँ क्या ना, हाँ इसमें कोई डाउट? अब सोच के देख, अब अगर मैं सीधी ऐसे लाइन खींच दूं ऐसे, तो सोच के देखो, तो फिर मुझे क्या दिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर सिर्फ ऊपर जाती है और यहाँ पे सिर्फ नीचे आती है, हाँ के ना, नहीं आएगा समझ में, पक्का समझ में आ रहा है? अब इसी चीज को तुम सोचो कि मैंने आधा काट के अब उसको घुमा दिया, मतलब एक तरीके से ये ऐसे रखा हुआ है, मान लो बिल्कुल सेम है ये, है ना, अब मैं इसको ऐसे काट दूँ, ठीक है, बीच में से, अच्छा इधर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रही है और इधर क्या हो रही है, ये बस समझ में आ रही है? नहीं, एक काम कर, इसके साथ ऐसे लगा लो ताकि तुम्हें थोड़ी और क्लैरिटी हो, इसमें कोई डाउट है? मैंने क्या किया भैया, इसको बीच में से काटा और फिर मैं क्या कह रहा हूँ, एक मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रही है और दूसरी कहाँ जा रही है, ऊपर, अब मैंने उसको काट के ऐसे रख दिया, ऐसे हो गया, अंदर तो एक अंदर और एक
ये बात समझ में आ रही है? यही चीज यहाँ पे देखो जो मैंने अभी बनाई है अगले में, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, एक अंदर और एक तो उस तरफ जा रही कौन सा एरो, एरो अब एरो मत देखो, अब तुम सिर्फ क्रॉस और डॉट देखो, क्योंकि मैंने क्रॉट के सिर्फ उन दो पॉइंट्स के बारे में, मतलब क्या, अगर ये वायर है तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट इस पॉइंट के इस तरफ और डायरेक्ट इस पॉइंट के इधर देख लो, इधर देख लो, अगर मैं कह रहा हूँ ये वायर है इस वायर के जस्ट इधर और जस्ट इधर, बिल्कुल इसी लाइन में, इधर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सर्कुलर, मैं भी इसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि भैया ये वायर है इसके जस्ट इधर और इसके इधर, बिल्कुल ऐसे में, ऐसे दूरी में, पूरी प्लेन में, नहीं आई बस पक्का। तो यहाँ पे क्या है, तो अगर ये है तो इस तरफ क्रॉस होगा और इधर क्या होगा, डॉट, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, पक्का क्लैरिटी है? अब एक बार इसको बनाओ, मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे, पहले डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, दोनों बनाने हैं तुमको, कैसा तुमने छेड़ा होगा नीचे से, नीचे वो रूम बना था, ये भी हम सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, दो ट्राई करना, ठीक धन भाई, बढ़िया, और देखते हैं। अब हमने कहा कि ये समझ में हमें आ गया, ठीक है, इसका बिल्कुल सिनोनिमस क्या होगा, इसका सिनोनिमस होगा कि मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं, जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज करूंगा तब क्या होगा, ध्यान से देखें आप, हमने क्या कहा, हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं करंट की, तो करंट की डायरेक्शन जो पहले एंटी क्लॉकवाइज थी अब क्लॉकवाइज कर देते हैं, इसमें कोई डाउट? तो एक हो गई एंटी क्लॉक वाइज, अब क्लॉक वाइज, ध्यान सुना, अब इसमें क्या हो रहा है, वही सेम लॉजिक, तो करंट हमारा इधर जा रहा है, तो हमने हाथ ऐसे रखा, हाथ ऐसे रखा, तो एक तरीके से अब हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर की तरफ आएगी, ध्यान से देखो, मेरा वीडियो सेटिंग में चेंज होता है, हाँ वीडियो सेटिंग में, मेरे माई वीडियो में नहीं, हाँ सीधा, ये मेरा सीधा दिख रहा है, इसमें दिख रहा होगा, इसमें उल्टा दिख रहा है, सीधा सीधा, ठीक है, हाँ तो क्या कह रहा हूँ मैं, तो इसमें हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड का करंट इधर जा रहा है, सीधा हाथ पकड़ा और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो नीचे की तरफ अंदर जा रही है और फिर बाहर की तरफ आ रही है, क्या सबको ये बात समझ में आ रही है, पक्का क्लैरिटी है, कोई डाउट है इसमें? तो हमने क्या किया,
सीधा हाथ बस ध्यान रखना, तो नीचे मतलब अंदर की तरफ और ऊपर बाहर की तरफ, ये क्लैरिटी है या नहीं? तो इसका मतलब अगर इस तरह से क्रॉस आएगा और बाहर की तरफ क्या आएगा? डॉट। इसमें कोई भी डाउट आज के दिन तुम ये भी सीख जाओ ना तो बहुत है, मैं तो क्योंकि अभी मैं और इंटीग्रेट करूंगा इससे कि इससे और क्या क्या समझ में आना चाहिए, लेकिन पहले ये चीज समझो। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। भाई इसी को अगर मैं एक और तरीके से सोचूं तो क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा पतला कर लो, अभी थोड़ा 3 डायमेंशन में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। करंट वापस ऐसे ही जा रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, तो इसमें करंट अंदर, करंट अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड अपनी अंदर होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड अपनी ऐसे जा रही है, एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो अंदर दोबारा, तो यहाँ पे अंदर जा रही है ऐसे और इस साइड से बाहर निकल रही है। सर जो इस वाले उसमें आपने फर्स्ट का करा सबसे पहले तो हमारी डायरेक्शन मिलती तब भी हमारे आ रहा तो ऊपर वाले में डायरेक्शन नहीं, मिलती ऊपर कहाँ? एक्चुअली क्या हो रहा है बेटा, ऊपर वाले में एक्चुअली हमने गोला सीधा बनाया है, मतलब गोला ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रही है, ऐसे अंदर जा रही है, ठीक है, ये कर रहा हूँ ना मैं, नहीं सॉरी, ऐसे बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है ऊपर वाले में और मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ से बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, इसलिए मैंने साइड में क्या लगा दिया, क्योंकि इसको मैंने यहाँ बना के क्या बना दिया, डॉट। अब ध्यान से देख, ऐसे आ रही है बाहर, जबकि नीचे वाले में क्या हो रहा है, नीचे वाले में जो, अब मैंने कॉइल को ऐसे नहीं रखा, सीधी नहीं रखी वो ऐसे रखी टेढ़ी, अब ऐसे नहीं रखी, अब ऐसे रखी, अब जब ऐसे रखी है और करंट कहाँ जा रहा है, अंदर, तो देख मैग्नेटिक फील्ड आ रही बात, थोड़ा इसीलिए इमेजिनेशन में इसके इंपॉर्टेंट है ये दो। अभी मैं एक और चीज बताऊंगा उससे शायद इतनी जरूरत पड़े ना, लेकिन पहले एक और कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो कि क्या हो रहा है, बात समझ में आई या नहीं, कोई भी डाउट? अच्छा तो क्या कह रहे हैं, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इधर, यहाँ से बाहर, ये ऐसे घूम रही है ऐसे ही, यहाँ पर क्या हो रहा है वापस से, अब ये प्रॉपर सर्कल बन गया यहाँ पे, तो एक तरीके से अगर हम कहें तो ये वाले जो होंगे तो प्रॉपर सर्कल ही बनेंगे, उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे सर्कल्स बना दिया ऐसे। और अब क्या है, यहाँ पे करंट अगर हम देखें तो अंदर की तरफ जा, सॉरी बाहर की तरफ आ रहा होगा, बाहर की तरफ आ रहा होगा, तो एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, क्लैरिटी है या नहीं? देखिए इसमें से भी बाहर ही निकल रहा है, और ये थोड़ा 3 डायमेंशन में मुझे लग रहा है कि मुझे कॉम्प्लिकेशन हो रही है, तो हो सकता है रुक भी हो, तो इसका ज्यादा आसान तरीका तो वैसे ही अलग है, ठीक है, ऐसे ज्यादा आसान है समझना, ये वाला चाहे रहने दें कोई दिक्कत। अब इससे एक और चीज जोड़ते हुए सुनो, हाँ करंट ऐसे डाला है नीचे, हाँ या ऐसे आ रहा नहीं, करंट इधर, करंट वापस तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, हाँ हाँ ऐसे इसलिए वो ऐसे चल रहा है, उसके बाद वो ऐसे जाएगा हाँ उस वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, अब ये जैसे ही क्लियर हुआ तो अब डॉट और क्रॉस से मैं एक और चीज लिंक कराता हूँ, वो समझो थोड़ा और अच्छा लगेगा, अच्छा हम ये बात कर रहे हैं ध्यान सुनना। तो क्या कह रहे हैं, हमने कहा यार कि हमने कॉइल ली और इस कॉइल को एक तरीके से हमने कैसे सोचा, हाँ मैंने कहा यार अभी काम करो इसको ना यहाँ पर, अब धीरे धीरे समझना मतलब चीजों को, जितना समझोगे उतना अच्छा रहेगा। अब मैंने एक बार मैग्नेट ले ली, बार मैग्नेट याद है शुरुआत में हमने कराई थी, इसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक नॉर्थ साउथ पोल होता है, हाँ भाई। अच्छा नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड क्या करती पोल में नेगेटिव फील आ रहा है साउथ पोल में अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल में है? ठीक है, अभी हम बाहर की बात कर रहे हैं पहले, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलेंगी बाहर और साउथ पोल के अंदर जाएंगी, क्या ये बात समझ में आती है? इसमें कोई भी डाउट तो बताया, पक्का? क्या कह रहे हैं अब? अब मैं ना यहाँ खड़ा हो गया, मान ले यहाँ पे ऐसे खड़ा हो गया, मैं इस मैग्नेट को यहाँ पे ऐसे देखा हूँ, है ना, तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे ये ऐसे नॉर्थ पोल दिखेगा, हाँ क्या ना, हाँ भाई मैं नॉर्थ पोल हूँ, हाँ क्या ना, लेकिन अब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, हाँ क्या ना। अच्छा बाहर निकल रही है तो एक तरीके से ये दीवार हो गई, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल रही है, बाहर तुम्हारी तरफ निकल रही है, तुम्हारी तरफ निकल रही है, तो क्या मैं डॉट लिख सकता हूँ? नहीं, यही बात समझ, कोई डाउट इसमें, पक्का? अच्छा अगर मैं ऐसे यहाँ खड़ा हो जाऊं,
अंदर तो तुम्हें क्या जाती हुई दिखेंगी ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर। इसका मतलब अगर अंदर जा रही है तो मैं क्या कह सकता हूँ, साउथ पोल है। हाँ नहीं आई बात समझ पक्का? अब कैसे लिंक करना है? अब इसको ऐसे, इसको अब इमेजिनेशन में रखना है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है और साउथ पोल से अंदर दूसरी चीज। अगर मैं नॉर्थ पोल में हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड जब बाहर निकल रही होगी और मैं सामने खड़ा होगी मैग्नेटिक फील्ड को देखूंगा क्योंकि वो बाहर की तरफ आ रही है, तो मैं क्या बनाऊंगा डॉट। और साउथ पोल के सामने खड़ा हो जाऊंगा तो क्या बनाऊंगा क्रॉस। नहीं यही बस पक्का? कोई डाउट सोच लो। हाँ भाई अब ध्यान सुनना, अब मैं कह रहा हूँ मैं दोबारा वही कॉइल उठा लूँ, यही वाला कॉइल दोबारा उठा लूँ। ध्यान सुनना, मैंने कहा ये कॉइल मैंने दो बार उठा लिया, ये दो ले लिया मैंने कॉइल, मैंने एक कॉइल ये ले लिया और एक कॉइल ये ले। एक बार देख ले फिर फिर लिखना, फिर मैं लिखवाऊंगा। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा करंट पहले ऐसे जा रहा है, जब ऐसे जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे थी, ऐसे एक पॉइंट पकड़ के। तो मतलब अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है और राइट मतलब इस पॉइंट पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी यहाँ के ना देखो, और दूसरी साइड से बाहर की तरफ आएगी, मतलब ये क्रॉस होगा और ये डॉट। इसका मतलब ये तो हर पॉइंट के लिए डॉट होगा हाँ के ना। नहीं यही बात है उन्होंने। अच्छा इसका करंट उल्टा कर दो, करंट उल्टा किया तो अब वापस देखो, अब ये क्रॉस होगा और ये हर एक के लिए क्रॉस होगा। नहीं यही बात समझ में, यही पीछे यही सीखा है हमने, बस थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ दोबारा से। अब ऊपर क्या सीखा है अभी हमने कि डॉट क्या होता है, वो नॉट डॉट क्या होता है भाई उधर देख ऊपर डॉट क्या होता है। तो इसका मतलब ये वाला पोल कौन सा हो गया और ये वाला पोल कौन सा हो गया। नॉट नहीं आई बात समझ में हाँ पक्का? अब इससे समझ में क्या आया, इससे समझ में यही आया कि एक सर्कुलर कैरिंग वायर, अ सर्कुलर, मैं लिख रहा हूं ये मत देखना, अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर वायर इज अ स्मॉल मैग्नेट, इज अ स्मॉल मैग्नेट। और एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर जो होती है वो एक तरीके की छोटी मैग्नेट होती है जिसकी थिकनेस बहुत कम होती है, विद मिनिमम थिकनेस। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं, कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ पहले मुझे। पीछे भी मैंने कहानी सुनाई है वो एक्चुअली इसी को जोड़ने के लिए सुनाई थी। क्लैरिटी ये बना लिया था तुमने नीचे वाला पार्ट, ये वाला अगर ये बना लिया था तो उसके बाद अब साइड वाला नहीं बनाया, पहले एक बार साइड वाला ये वाला बनाओ, उसका ये वाला कॉम्प्लिकेट करेगा चीज़ को। उसके बाद बार मैग्नेट बना दो, ये बार मैग्नेट होगा आपको भी बना रहे हैं कैसे, वो आपने अपने आपको बनाया है मुझे बना रहे हैं तुम देखो तुम्हें समझ में आया तो तुम मुझे मत बनाओ, अपने आप को बना दो लेकिन चीजें समझना इम्पोर्टेंट ज्यादा है, और लिखते रहोगे तो याद भी रहेगा लंबे टाइम तक, तो जब रिवाइज करोगे तो यही काम आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट एक जगह और आएगा अभी तो इसको ध्यान से याद रखना। हाँ फिर बार मैग्नेट हो गई, बार मैग्नेट में यहां से देखोगे तो डॉट दिखेगा, वहां से देखोगे तो साउथ दिखेगा, साउथ पोल। तो अगर उसी हिसाब से फिर हमने देखा, अभी मैं होंगे वो सिखाऊंगा तुम पहले अभी वो कर, वो मैं सिखा दूंगा तो बस डायग्राम बना। तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि अगर डॉट होगा तो नॉर्थ पोल और क्रॉस होगा तो साउथ पोल, ये बेसिक ध्यान रखना तुम्हें। क्लियर है नहीं भाई? डॉट मतलब नॉर्थ और साउथ, डॉट नॉर्थ नॉट नॉर्थ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है, और क्रॉस मतलब हाँ साउथ साउथ। ठीक है एक बार रिजॉइन कर लो।